नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी और साइंस के चार नए अपडेट्स में, टेक्नोलॉजी और साइंस के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। दोस्तों इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियो, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहते हैं। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ आज की टेक्नोलॉजी साइंस के अपडेट्स न्यूज को शेयर कीजिए। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी साइंस के चार नए अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईफोन की तरफ से। आईफोन एसी 2 यानी कि आईफोन एसी 2020 लास्ट मंथ में लॉन्च हो चुका था, बट ये अवेलेबल नहीं था। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बंद थे, फ्लिपकार्ट अमेजोन भी बंद थे, ये इसेंशियल आइटम्स ही डिलीवर कर रहे थे। तो अभी ये देखा गया है कि फ्लिपकार्ट के साइट के ऊपर ये आईफोन एसी 2 का, आईफोन एसी 2020 का बैनर लगा हुआ है। तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि ये फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलने वाला है और बैनर लगा दिया है। नोटिफाई मी का जो आइकन होता है ना, यानी कि मुझे जैसे ही लॉन्च होता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, वो वाला जो बैनर है वो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा ताकि आपको SMS आ सके जैसे ही ये लॉन्च हो जाता है, जैसे ही ये अवेलेबल हो जाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छा खासा मोबाइल है, इसमें बहुत ही अच्छी प्रोसेसर है, A13 का अभी तक का अच्छा, सबसे अच्छा प्रोसेसर इन्होंने इसमें डाला हुआ है। A13 एप्पल का प्रोसेसर है, 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा जो है ये 7 मेगापिक्सल का है, 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले है। तो बहुत ही अच्छा है, 3 वेरिएंट में मिलने वाले हैं। अभी तक प्राइस वगैरह ये ओपन नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ एक बैनर लगा हुआ। अभी ये जो बैनर है ना, ये बैनर PC पे आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऐप में दिखेगा, और वो भी मोबाइल के सेक्शन में जाओगे तो ही दिखेगा, होम स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला है। तो आप जाओगे और न्यूज सुनोगे मेरे बताया हुआ तो आप बोलोगे कि ये तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसके जो प्राइस है, जो लीक प्राइस है, जो अंदेशा वाला प्राइस है, जैसा कि एक पहले जो न्यूज आ चुका है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली, तो दोस्तों ये टोटल 3 वेरिएंट में मिलने वाला है, 64 GB, 128 GB और 256 GB। 64 GB वाला जो है ये 42,500 में मिलने वाला है और 128 GB वाला जो है ये 47,800 में मिलने वाला है और 256 GB वाला जो है ये 58,300 में मिलने वाला है। तो ये प्राइस थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 1,000 रुपया जब ये आप ऑनलाइन खरीदने जाओगे तो बहुत सारे ऑफर्स भी रहेंगे। तो ये थी अपडेट। अगर आप एप्पल के फैन हो और लेना चाहते हो तो नज़र गड़ाए रखिए फ्लिपकार्ट के ऊपर, नोटिफाई में जाकर के उसमें इनरोल कर लीजिए ताकि जैसे ही लॉन्च हो आप तक मैसेज पहुंच जाए। तो दोस्तों दूसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया है रियल अलोंग, ये बोलो नाम से इंडिया में था अवेलेबल और अभी भी है अवेलेबल। गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो BOLO टाइप करोगे तो आपको ये बोलो नाम का ऐप डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ये बच्चों के लिए ऐप है, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से पूरे दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में ही सब लोग घर में हैं, तो बच्चों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, बच्चों को कुछ एक्टिविटी देने के लिए ये ऐप है। ये ऐप के जरिए बच्चे लिखना बोलना बहुत ही अच्छी तरह सीख सकते हैं। इसमें टोटल 9 लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है, 180 कंट्री में ये अवेलेबल है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, तो इसको जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिए और देखिए कि बच्चे क्या करते हैं और क्या सीखते हैं, अपने निगरानी में उनको इस्तेमाल करने दीजिए। मुझे तो ठीक ठाक लगा ये ऐप, पहले ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो इससे लिखना पढ़ना अच्छी तरह से सीख जाएंगे और बहुत सारे लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन है, बंगाली, हिंदी बहुत सारे हैं, मराठी भी है, ठीक है। तो चेक कीजिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है ये आपको ऐप, गूगल का ये पहल कैसा है। BOLO बोलो प्ले स्टोर पे जाकर के एक बार देखिए, डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। लास्ट के लास्ट मंथ में इन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन दिया था रिचार्ज का, तो ये मैंने भी किया था। उसमें 2 महीने की वैलिडिटी थी, प्राइस कितना था वो तो याद नहीं है, बट उसमें सिर्फ आपको इंटरनेट था, बोलने वाला ऑप्शन नहीं था, उसमें कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, और था भी तो शायद 1-10-20 मिनट था आई थिंक, क्योंकि मैंने तो कॉल किया ही नहीं। जितनी बार मुझे कॉल करने की जरूरत पड़ी तो उसने बताया आपके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन इंटरनेट चल रहा था, 2 GB हर दिन मिल रहा था। तो अभी इसी प्लान को इन्होंने बढ़ा दिया है और ये साल भर के ऑप्शन में इन्होंने रिलीज किया हुआ है। तो टोटल इसका प्राइस है 2399, यानी कि 2400 रुपये में आपको साल भर रोज 2 GB डेटा मिलेगा, ठीक है। तो जियो से जियो इसमें कॉलिंग फ्री है, जियो टू अदर
मोबाइल जो है ये 12,000 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको हर महीने का 1,000 मिनट मिलेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड वगैरह करोगे कैलकुलेशन, तो आपको पता चलेगा कि 33 मिनट्स यानी कि आधा घंटा आप अदर मोबाइल को कर सकते हो इस रिचार्ज के द्वारा। यानी कि आप जियो के फोन से अदर मोबाइल को दिन के रोज के 33 मिनट कर सकते हो बात। और जियो तो फ्री है ही, 100 SMS हर दिन फ्री है। तो एक अच्छा खासा ऑफर है, ये बांधने का तरीका साल भर के लिए आप लॉक हो जाओगे। आप देखना, चेक करो आपको कौन सा प्रवर्ता है, कौन सा आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो अगर आप जियो यूज करते ही हो और इंटरनेट आपको हर दिन चाहिए ही 2 GB, तो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। 2400 रुपये का, यानी कि 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से ये रिचार्ज है। 2 GB हर दिन, अब बात करना भी है आपको, हर दिन आधा घंटा मिल ही रहा है अदर फ़ोन को, और जियो तो फ्री है ही। तो एक बार चेक कीजिए, अपने माई जियो ऐप में जाइए और जा करके देखिए, तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है। तो दोस्तों, चौथी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने डार्क मोड इनके वेब पेज वाले वर्जन में इन्होंने इनेबल कर दिया है कस्टमर्स के लिए, यूजर्स के लिए। डार्क मोड क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ब्लैक या ग्रे कलर का हो जाता है, उसको डार्क मोड कहते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको आंखों को चुभन नहीं होती इतने डार्क कलर की वजह से, ठीक है। आपको रात में, दिन में पढ़ने में आसान होता है जनरली, रात को अगर आप यूज करते हो फेसबुक वगैरह तो ये आसान होता है। हर कोई आजकल जो है ना, मोबाइल ऐप वाले, वेबसाइट वाले, हर कोई डार्क मोड अभी इनेबल कर रहा है, चलन हो गया है अभी ये, ठीक है, ये फैशन हो गया है। उसमें एक और चीज़ फ़ायदा होता है कि आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी का कंजम्पशन भी कम होता है, ये मेरा मानना है, और होना ही है ना, क्योंकि डार्क मोड है, ब्लैक अगर बैकग्राउंड है पूरा का पूरा ब्लैक है, तो इसमें LED वगैरह इमिट नहीं करते, एनर्जी का कंजम्पशन तो ऐसे ही होगा ही। तो दोस्तों, ये थी आज की टेक्नोलॉजी साइंस की 4 नए अपडेट्स। दोस्तों, वैसे अपडेट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम के चुन के सिर्फ 4 अपडेट्स निकालता हूँ, जिससे कि आपको भी फायदा हो सके और मुझे भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहते हैं। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फटाफट टेक्नोलॉजी साइंस के 4 नए अपडेट्स को बताइए, टेक न्यूज को बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।